राज कुंद्रा का जेल जाना बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कुछ समय पहले ही राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाकर उनको मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के आरोप लगाए गए। राज कुंद्रा इस समय पुलिस की हिरासत में है। राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद शिल्पा शेट्टी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। हाल तो अब ये हो चुका है कि बॉलीवुड के लोगों ने भी शिल्पा शेट्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड में अब शिल्पा शेट्टी के दोस्तों की संख्या तेजी से घट रही है। दुख की घड़ी में बॉलीवुड ने शिल्पा शेट्टी का साथ छोड़ दिया। ऐसे में शिल्पा शेट्टी मुंबई नगरिया में बिल्कुल अकेली पड़ गई। शिल्पा शेट्टी बीते 30 साल से बॉलीवुड का हिस्सा है। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड में लगभग सभी नामी सितारों को अच्छे से जानती हैं। शिल्पा शेट्टी अक्सर इन सितारों के साथ पार्टीज करती नजर आती हैं। वो बात अलग है कि अब हालात काफी बदल चुके हैं। फिल्म फैमिली से जुड़े एक एक्टर ने इस बारे में खुलकर बात की। इस एक्टर ने बताया, पोर्नोग्राफी से नाम जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है। एडल्ट फिल्म्स में नाम आना आम घटना नहीं है। लोग पोर्नोग्राफी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। यहाँ पर पोर्नोग्राफी के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में यहाँ पर शिल्पा शेट्टी की गलती क्या है? हो सकता है कि इस मामले में उसकी कोई पोजीशन ही ना हो, फिर भी लोगों ने उससे किनारा कर लिया। एक बार खुद शिल्पा शेट्टी ने ही मुझसे अपने दोस्तों के बारे में बात की थी। शिल्पा शेट्टी ने कहा था, आप फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती और उम्मीद नहीं करते। जब तक आप साथ काम कर रहे हैं, आपकी दोस्ती बनी रहेगी। काम खत्म होते ही आपकी दोस्ती भी खत्म। सारे वादों की एक्सपायरी डेट आ जाती है। उस समय केवल परिवार के लोग ही आपके साथ रह जाते हैं। इस एक्टर ने आगे खुलासा करते हुए कहा, जितना मैं शिल्पा शेट्टी को जानता हूँ, वो एक इमोशनल लड़की है। वो इस समय अपने सभी दोस्तों को याद कर रही होंगी जिसने अब तक भी उनसे बात नहीं की है। सालों पहले गुरुदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके गाने के बोल आज भी मुझे याद हैं। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।